नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड अंतर्गत बेलवाना पंचायत के ईंट भट्टा संचालक मनोज साव ने मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में पीड़ित मजदूर राजवंती देवी और राजकुमार चौहान दोनों पति पत्नी अपने साथ साथ ही संटू राम, रोहित चौहान, ध्रुव चौहान, अमनी देवी, विराजमा देवी, पिंकी देवी, विधानता कुमारी और मन्नू रजवार समेत छोटे बच्चों के साथ तिसरी थाने पहुंचकर थाने में आवेदन के साथ साथ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, नीति आयोग व उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। मामले को लेकर ईंट भट्टा संचालक मनोज साव के भाई प्रदीप साव ने तिसरी थाना परिसर में बताया कि उनके मुंशी के पैकेट से 10,000 रुपये उक्त मजदूरों के द्वारा चोरी कर लिया था, जिसके कारण विवाद हुआ है। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने से साफ इनकार किया, तो वहीं थाना परिसर में उपस्थित ईंट भट्टा संचालक के मुंशी श्याम ने मीडिया को बताया कि मजदूर को काम करने के लिए बोला गया और काम नहीं कर रहा था, मारपीट पर उतारू हो गया, जिसे मजदूर को ऑफिस में बंद कर दिया गया और पैसे चोरी का कोई बात नहीं है। समाजसेवी राजकुमार शर्मा ने कहा कि मजदूर के साथ जो मारपीट की गई, इसको न्याय मिलना चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो धरने में बैठ जाएंगे। गलत अन्याय किया गया है, इन लोगों को मारपीट किया, जात का हरिजन है, इन लोगों के साथ में बहुत बड़ा, इन लोगों के साथ में गलत व्यवहार भी किया, लेडीज के साथ में मारपीट किया है, इसके विशेष में थाना में आवेदन इन लोग दिया जा रहा है। ये देखिए, इन लोगों के साथ लेडीज और बच्चा भी साथ साथ मौजूद है, इस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो मैं राजकुमार शर्मा धरना प्रदर्शन में बैठ जाऊँगा। तो वो पिया हुआ था तो फिर हमसे गाली गलौज करने लगा, इसे भी फिर ज़्यादा ही करने लगा, मारने जैसा होने लगा, तो इसी बीच उसको पकड़ के रूम में बंद कर दी। कितना देर? एक मिनट, और कोई मामला? और कोई मामला ऐसे नहीं है। चलिए ठीक है। एक महीना पहले भी इसकी बीमार था, दो आदमी भाग गया है, मारने के पीछे भाग गया है, रात में भागा है, जंगल है जंगल, बिना पैसा के भागा है। तुम्हारा जीजा का जो मारा था, हाँ वही संतोष, उससे भी बात हो जाएगा सर, सबका यही है। चलो आओ, नहीं पड़ेगा तो मनोज, मनोज क्या इन्हीं के ऐसे धमकी दे रहे थे, अब मारे तो पूछे और कितना मार मारे हमको, अब हम किसी क्या बता सर, नहीं पा रहा तो लगा देगा, हम कैसे हम जिए खाएं, हम बताइए कि कौन बच्चा है, नहीं नहीं है रूम पर, वहां भी है बच्चा मेरा, अभी देर रूम पर है बच्चा, अभी बोला हम वो करेंगे करेंगे रूम पर जाएगा तो रूम पर है, ये अपन लेडीज है भी, वो फूल लेके आ गए, वो मेरे पिताजी हैं वहीं पर, अभी पिताजी आए हैं, दादा नहीं मिलेगा हम लोग के, कम होता और विकलांग है, हम लोग तो ऐसे ही करेंगे, वही से काम कर रहा है, आटा पर साफ जाना जाना चाहिए, हम लोग का लड़का पैदा कर ले आना चाहिए, हम लोग ये जिला पैदल बिहार में रहेंगे, हम लोग घाटा पर नहीं रहेंगे, जाएंगे तो हम लोग का मारेगा, हम जानते हैं, हां मारेगा, नहीं नहीं है क्या है, थाना में गया ना वो पिटा मार मारेगा हम लोग का, अभी बोला है तो सर किसी को मारेगा, किसी को भाटा में डाल देगा, इसलिए हम लोग को सुने है गांव का बच्चा डाला है कितने भाटे में, बच्चा लोग डाल दिया कि पता नहीं चलेगा कोई, बस बोलता है खुद मुंह से बोला है कि कितने भाटा में डाल दिया हूं, कितना गांव वाला भी कहता है कि भाटा में बहुत आदमी डाला है बच्चा लोग के, इसलिए हम लोग भाग गए थे बच्चा लेकर, बिहार से डॉक्टर है उधर के, हम लोग पैदल वहीं बिहार चल जाएंगे, अब भट्टा पे आप नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, मारता है तो मारने के लिए, मार खाने के लिए, हम अपना लेबर के लिए साथ दिया है, मरवा दे बिहार में कहाँ घर है, शौचालय नहीं है, जगह नहीं, चल के देखिए भट्टे पर, चलिए पूरा लेडीज बैठती है तो पूरा देखता है, आपने कमरे में जब झूठ बोल रहे हैं तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, मड़ाई के किनारा एकदम खाला, बगल में जो बगल में इसका ऑफिस है, बगल से देखता रहता है, जो बगल में पेशाब करने बैठती है लेडीज को, रात में 12 बजे आदमी को अपना धो गया है, 12 बजे रात में, जो इंसान पैसा ले रहा है वो भागेगा भाटा छोड़ के, नहीं भाई भागने के लिए हम लोग आए हैं,
मार रास्ता में इससे काम बोला था तो धमकी दे रहा कि मारेंगे पीटेंगे तुम्हारे पास कुछ रहेगा वहाँ पर मारूंगा सीधा पुलिस को बोल हम लोग वहाँ से आदमी बच्चा लेकर आए घर नहीं जाएंगे तो बच्ची है इतना बड़ा 7 साल की है 7-8 साल का जो मारा हमको बिना गलती का तब हम लोग थाना लाए हम लोग काम कर रहे हैं समझ रहे हैं अभी हम लोग पहला बार ये जरा एक तरह नहीं मारा तीन तरह तीन तरह मारा था तब आज हो गया हम लोग तो थाना पर फोन किया लास्ट में अभी न्यूज छपे जाएगी आप भी काम करते हो क्या क्या नाम है छोटा मालिक का लेडीज को धकेल के ले जाता होता अभी बोरा थाना में बैठ के हमको सुई देगा नासा के सुई देता है बेचैनी हो जाते हैं जब मरद मेहरान सोता है तो 12 बजे रात में चेक कराता है आदमी से भाग गया है कि है अभी बोरा मारने के लिए सुई देने के लिए अभी बोरा हम लोग नहीं जाएंगे भागा को हम लोग अभी बोरा सुई देंगे बन कर आया उसका भाटा बंद नहीं हो रहा था हम कल माटी खाली एक माटी नहीं लिए उसी बात को बोरा भाटा बंद हो जा रहा हमारा एक महीना तू मालिक होके काम बंद कराया है तो भाटा बंद नहीं हो रहा था एक दिन में भाटा बंद हो रहा था एक दिन में मात्र एक दिन के बाद होता यही है हमारा संतू राम घर हुआ रोहता जिला बिहार कुचिला थाना कुचिला हम सब बोल देंगे नहीं जो सही एड्रेस बता मीडिया लोग कौन लाया है यहाँ पे हम लोग ये मालिक है जिसका मालिक वो है मालिक है हमारा मालिक वो है विनोद है वो विनोद मालिक से मिल गया वो पैसा तो मिल गया है दिक्कत है तो आ रहा है हिसाब नहीं देंगे तुम लोग का पूरा सीजन ये जो खतना है ऐसे ऐसे बोल रहा है मालिक से मिल के मरवा रहा है हमारा लेकिन इसलिए हम थाना में आ गया जंगल जंगल भाग कर हमारा रोहित चौहान मालिक माटी बंद कराया तो उसका भाटा बंद नहीं हो रहा था चुप जब एक महीना मालिक काम बंद कराया तो उसका भाटा बंद नहीं हो रहा था कल माटी नहीं लिया तो उसका भाटा बंद हो रहा था घींच के मारा है किसको मारा है इसको मारा है घींच के मारा औरत को भी मारा मेरा बीवी को भी गाड़ी दिया आज भी दिया है हम लोग जब एक महीना मालिक होके काम बंद कराए तो हम लोग कुछ नहीं बोले जब एक दिन माटी नहीं लिए तो घींच के मारे उसको जबान भी हम लड़ाते तो तुमसे बहस करते चलो भाई बहस कर रहा है लड़का तो मारू हम तुमसे बहस भी नहीं करें तुम्हारे पास है भी नहीं बुला कर अंदर बंद करके मारने स्टार्ट कहाँ पे बंद कर दिया था अपने आप भाटे पर तभी आप लोग यहाँ क्यों आए हमारा कोई सपोर्ट नहीं है तो अब हमारा थाने ना सपोर्ट करेगा इसलिए हम लोग थाना में चले आए हमारा पे है हमारा हम लोग का पे है बोलता है कहीं जाएगा हम लिया लाए हैं जब हमारा ठेकेदार हम लोग का सेवा ना देगा तो हम लोग कैसे रहेंगे हमारा भाई का तो हम लोग बिहार आप लोग का ठेकेदार कौन है विनोद अंदर है विनोद है उसको लिखा गया विनोद चौहान कहाँ काम करते
क्या क्या मामला क्या हुआ? मैं वहाँ पर एक आदमी का सामान छूट गया था मेरे रूम पर, एक लड़का आया था उसको मैं देने गया, उसको रूम से किनारा तो मेरे को बुलाया कि राजकुमार इधर आओ, ले गया बोला कि मिट्टी लो, मेरे बोला सर मेरा तबीयत खराब है, फिर कल तो परसों मिट्टी ले लेंगे, बोले कि औरत तुम्हारा पड़ेगी औरत मेरे बच्चे लिए क्या पड़ेगी, छोटी बच्ची लेकर छोड़ेगी कि पड़ेगी, बताइए सर माटी जब नहीं देंगे औरत तो नहीं संग लेकर बैठेंगे तो बच्ची पड़ेगी। उसके बाद मेरा फेफा दिया अंदर ढकेल दिया, अंदर में कैमरा काम नहीं करता है, और ढकेल दिया दोनों अंदर में कैमरा काम नहीं करता है, बाहर में कैमरा काम करता है उसका, अंदर पूरा मारा हमको दूसरी हाथ कर दिया, मेरा बीबी गई तो खुलवाई दरवाजा निकाल के लेके आई, इसको भी ऐसे ढकेल रहा है, ऐसा ढकला है आप लोग का मालिक, किसी का भट्टा का मालिक सिंधु भट्टा काम करता है सारे लोग, आप लोग चाहते हैं कार्रवाई हो उस पर, मजदूरी 8,500 हम लोग आए हैं, 8,500 क्या 8,500 700 एक दिन में कितना देता है, कितना कमाई होती है, गाड़ी माटी पार देते हैं कितने लोग काम करते हैं सब लोग जितना मतलब कितने लोग 15 लोग बच्चा पढ़ता है क्या नहीं भी लोग काम करता है कहाँ काम करता है मनोज के पास भाटा के पास काम करवाता है बच्चा से भी करवाता है इसलिए तो मर रहा है बोला कि मेरा ईंटा गल गया मैं कहां से आएगा भगवान भगवान खत्म करेंगे तो हम लोग उसको देंगे हम चलिए ठीक कल भी मतलब काम करने बोल रहा था आप लोग नहीं करना चाह रहे थे इसलिए मारपीट करने की क्या कहना चाहते हैं मजदूर के साथ कोई मारपीट नहीं किया हम लोग ये लोग है कि जब आता है लोग तो एडवांस पैसा लेकर आता है जो करीब इन लोग को करीब 4,00,000 रुपये हम लोग दे चुके हैं इनके सरदार के द्वारा अब इन लोग के मन में थोड़ा सा है कि अब हम यहाँ से होली में चल जाएंगे घर और हम लोग जाने के लिए भी बिल्कुल स्वतंत्र है हम लोग बोले कि आपका जो हिसाब है वो कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है इसी के बीच जो कल एक तो घटना लोग कर दिया मेरे भट्टे पर एक राजकुमार चौहान नाम है एक संतू कुमार मेरा मुंशी के रूम में कुछ पैसा रखा हुआ था भाई जबरदस्ती लोग उस समय मेरा मुंशी फील्ड में घूम रहा था ये लोग घुस गया और पैसा निकाल के वो लोग भाग रहा था इसी बीच में कुछ एक दो स्टाफ उसको पूछा कि वह रूम में क्यों घुसा तो बोला कि नहीं वैसे मुंशी खोजने गए थे जब उसका पॉकेट जब हम लोग चेक किए तो मुंशी का पैसा 10,000 रुपये था पॉकेट में तो पैसा कहाँ ओपन में रखा हुआ था हाँ वो ऑफिस में रहता है ओपन में मतलब चौकी के ऊपर मैं बक्सा के ऊपर में रखा हुआ था बंद नहीं रहता नहीं है रूम को घुसता नहीं है बंद नहीं रहता बंद नहीं रहता है तो ऐसे पैसा ही तो लापरवाही है उस जगह पे वो घुसता नहीं है उसके बाद क्या उसके बाद जब मेरा मुंशी पूछा कि बाबू तुम पैसा लेके ऐसे किया है तो उसके साथ वो गाली गलौज और धक्का मुक्की कर दिया तो उसको फिर हम लोग बीच में बंद करके रूम में रखे हुए और लास्ट में फिर कल शाम उसको हम लोग बोला कि मालिक हम लोग से गलती हो गया है आइंदा ये गलती हम लोग नहीं करेंगे हमको आप काम बढ़िया से करेंगे कोई दिक्कत नहीं हम लोग चोरी वोरी आज के बाद नहीं करेंगे मजदूर का आरोप है कि 2 महीना पहले भी मारपीट हुआ और कल भी मारपीट आज जो मारपीट हुआ बंद कमरा में हुआ जहाँ सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ नहीं बंद इसलिए वहाँ आदमी जब भाग रहा था तो 2-4 आदमी हम नहीं थे मेरा स्टाफ है उसको पकड़ के बंद किया रूम में नहीं शोषण करने का आरोप लगा रहा है नहीं बिल्कुल सरासर गलत है वहाँ पर मेरे 400 लेबर काम करता है ये 2 लेबर या 4 को छोड़ करके कोई भी बोल दे कि मालिक मेरे द्वारा शोषण किया जाता है तो हम लोग मान लेंगे छोटे छोटे बच्चों से भी काम कराया जाता है नहीं बिल्कुल नहीं बच्चा लोग तो बयान कर रहा है हम लोग से नहीं फैमिली साथ आया है बच्चा उसके साथ है तो उसको रोक नहीं सकते नहीं उसका माँ बाप है आपका रजिस्टर्ड है हाँ बिल्कुल रजिस्टर्ड है खबरों का सिलसिला लगातार जारी है फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ